अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक माई चैनल इरफान पटेल 07। आज हम लोग एक नए ब्लॉग के साथ में शुरू करेंगे। मेरे पीछे जो आपने देखा है बंगलो, वो जितेंद्र सर का बंगला है। यहाँ पे तुषार कपूर, एकता कपूर और जितेंद्र सर, इनकी फैमिली यहाँ पे रहती है। तो यहाँ से भी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे ब्लॉग को। ये जो बंगला आप देख रहे हो, ये जुहू में है। जुहू में आपको अगर अंधेरी से आना है तो 30 रुपीज़ के आसपास आप ऑटो से आ सकते हो। गाइस, मेरे पीछे जो बंगला है, ये सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का बंगला है। ये जू सर्कल पे, जू सर्कल से आने वाला नेक्स्ट सिग्नल जो होता है वो वहाँ पर है। ये NS रोड से यहाँ से टच होता है, और जैसे जू सर्कल से हम लोग आते हैं तो बिल्कुल ही सामने सिग्नल पे इनका बंगला है, प्रतीक्षा बंगला। तो ये देखिए मेरे पीछे बंगला है। मेरे पीछे जो बंगलो है, NS 7 रोड नंबर पे परेश रावल सर और अनिल कपूर सर का बंगलो है। तो परेश रावल सर जो है वो बिल्डिंग में रहते हैं। ये जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, गाइज़ अभी हम लोग जो है ये शत्रुघ्न सर के बंगलों के पास है। तो यहाँ पे पुलिस परमिशन लेने के बाद ही मैंने यहाँ का शूट किया हुआ। तो ये जो है पीछे मेरे शत्रुघ्न सर का बंगलो है। ये जो बंगला आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अजय देवगन सर का बंगला। और यहाँ से सीधा अगर आप बाहर देखते हो तो राइट हैंड साइड को अमिताभ बच्चन का बंगला है, जो जलसा बंगला है, जिसका हमको कल ये आई थिंक फिटनेस जो है, जैसे हम लोग हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर से सीधा स्ट्रेट आएंगे दरिया की तरफ, ये समंदर की तरफ, तो आपको लेफ्ट राइट हैंड साइड को आई थिंक फिटनेस का एक जिम वर्कआउट मिलेगा। तो उसके बाजू से जैसे आप राइट मारते हो तो फर्स्ट लेफ्ट में आपको ये अक्षय कुमार पाजी का घर और ऋतिक रोशन का घर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं वहाँ पर। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. पाम बीच करके ये बिल्डिंग का नाम है। यहाँ पे अक्षय सर, साजिद नाडियाडवाला और ऋतिक रोशन सर इसी बिल्डिंग में रहते हैं।